डार्क नेट का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल एसेट्स का भी उपयोग बढ़ रहा है। हमें डार्क नेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को एनालिसिस कर समझना होगा और उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो टेररिज्म से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। अगस्त 21 के बाद दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। सत्ता परिवर्तन तथा अलकायदा और आईसिस का बढ़ता प्रभाव रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। इन नए समीकरणों ने टेरर फाइनेंसिंग की समस्या को और अधिक गंभीर बनाया है। 3 दशक पूर्व ऐसे ही एक रेजिम चेंज के गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को सहन करने पड़े हैं। 9/11 जैसे भयंकर हमले को हम सभी ने देखा है। इस बैकग्राउंड में पिछले साल दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हुए परिवर्तन हम सभी के लिए चिंता का विषय है। अलकायदा के साथ साथ दक्षिण एशिया में लश्करे तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे गुट बेखौफ होकर आज भी आतंक फैलाने का प्रयास में है। हमें कभी भी आतंकवादियों के पनाहगाहों या उनके संसाधनों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तत्वों को स्पॉन्सर करने वाले तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यह सम्मेलन सहभागी देश और संगठन इस क्षेत्र की टेररिस्ट चुनौतियों के बारे में सिलेक्टिव या आत्मसंतुष्ट दृष्टिकोण न रखे। टेररिज्म के वित्त पोषण की समस्या व्यापक हो चुकी है। पिछले कुछ वर्ष में भारत ने टेररिज्म के वित्त पोषण पर नकेल कसने में सफलता हासिल की है। टेररिज्म के वित्त पोषण के खिलाफ भारत की रणनीति इन 6 स्तंभों पर आधारित है। पहला, लेजिस्लेटिव और टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क को मजबूत करना। दूसरा, व्यापक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का निर्माण करना। तीसरा, सटीक इंटेलिजेंस साझा करने का तंत्र पुख्ता करना। इन्वेस्टिगेशन एवं पुलिस ऑपरेशन को मजबूत करना। चौथा, संपत्ति की जब्ती का प्रावधान और उसका उपयोग करना। पांचवा, कानूनी संस्थाओं और इन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना। और छठा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय स्थापित करके इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई को मजबूती देना। भारत ने इस दिशा में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में संशोधन करने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को मजबूत बनाने और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को नई दिशा देने के साथ टेररिज्म और उसके वित्त पोषण के खिलाफ की लड़ाई को सुदृढ़ किया है। यह हमारे निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत में टेररिस्ट घटनाओं में अत्यधिक कमी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप टेररिज्म के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान में भी काफी कमी हुई है। भारत का मानना है कि टेररिज्म से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका इंटरनेशनल कोऑपरेशन और राष्ट्रों के बीच रियल टाइम तथा ट्रांसपेरेंट सहयोग ही है। प्रत्यार्पण, अभियोजन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा CFT जैसे क्षेत्रों में देशों के बीच में सहयोग टेररिज्म के मुकाबला करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह देखते हुए कि टेररिस्ट और टेररिस्ट समूह आसानी से सीमाओं के पार संसाधनों का समन्वय और संयोजन करते हैं, हमारा आपसी सहयोग और महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक स्तर पर नार्कोटिक्स के अवैध व्यापार के उभरते ट्रेंड्स और नार्को